चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोलकाता के वासुदेव भवन में अखिल भारतीय ढांढण महोत्सव समिति की ओर से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में बुधवार को वामन अवतार प्रसंग ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर राम जन्म महोत्सव और कृष्ण जन्म महोत्सव भी मनाया गया। आपको बता दें कि इस बीच भक्तों ने भी बधाई गान किया। तो वही व्यासपीठ पर विराजित कथावाचक अमर बिहारी पाठक ने भक्तों को प्रसंग सुनाए। इधर कथा के दौरान भगवान के अवतार की जीवंत झांकी भी सजाई गई। कथा के यजमान अखिल भारतीय ढांढण महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश बजाज रहे। इस अवसर पर सोनू भरतिया, रितेश अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि भागवत कथा का समापन 10 अप्रैल को होगा। भारतीय ढांढण महोत्सव समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत गीता का आज चौथा दिन है। कुछ ही देर में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां की जा रही है और अधिक कम से कम 500 से ज़्यादा भक्त यहां पर आए हुए हैं भागवत गीता को सुनने के लिए। वृंदावन से श्री अमर बिहारी पाठक जो हमारे कथावाचक